अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज मैं गिना गई हूँ आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार और जट पर्ची रेसिपी के साथ। बकराईद के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, चपली कबाब बनाने जा रहे हैं आज हम बहुत ही ईजी तरीके से। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, स्टेप टू स्टेप फॉलो करेंगे तभी आपके परफेक्ट चपली कबाब बनकर रेडी होंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो कीमा ले लिया है, जिसको अच्छी तरीके से वॉश करके पानी इसका बिल्कुल अच्छी तरीके से सुखा लिया है। यहाँ पे दो प्याज है जो कि बिल्कुल बारीक बारीक से चॉप की है, और इसको भी अच्छी तरीके से निचोड़ कर इसका पानी निकाल लिया है। एक टमाटर है बिल्कुल ही फाइन चॉप किया है, और चार से पाँच हरी मिर्चें हैं जो कि मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सी कट की है। 1 टेबलस्पून अनारदाना है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून सॉल्ट, सॉल्ट आप अपने हिसाब से यूज़ करें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून हल्दी, सॉरी हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून धनिया, कुटा हुआ धनिया है। 4 टेबलस्पून यहाँ पे हमारे पास फ्रेश चॉप धनिया है, और 4 टेबलस्पून ही फ्रेश चॉप पुदीना है। यहाँ पे 1 टीस्पून भरकर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, और एक अंडा तोड़कर इसमें ऐड करेंगे, और एक प्याली जो है वो बेसन ऐड करेंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही इसी तरीके से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाए, इस तरीके से बाइंड करना है। ये देखिए इस तरह, कीमे में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए तभी जाकर चपली कबाब परफेक्ट बनेंगे। इसके बाद जो है वो हम इसको चपली कबाब की शेप दे देंगे दोनों हाथों की मदद से, इस तरीके से बिल्कुल ये देख सकते हैं आप, इसी तरीके से सारे रेडी करेंगे। और यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है, ऑयल भी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब फ्लेम को मीडियम करेंगे और एक एक करके चपली कबाब ऐड करेंगे इसमें, और इसको 3 से 4 मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे और 3 से 4 मिनट दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। जितनी पैन में जगह होगी उतना ऐड कर दें और इसको अच्छे से फ्राई होने दें मीडियम फ्लेम में, ताकि ये अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। देखिए इस तरीके से, और यहाँ ये एक साइड से फ्राई हो चुका है, मैं इसको टर्न करके दूसरी साइड से फ्राई करूँगी। ये देखें इस तरह, बिल्कुल ज़बरदस्त बनकर ये रेडी होते हैं। और यहाँ ये बिल्कुल रेडी है, तो देखा कितनी सी और कितनी झटपट तरीके से ये बनकर रेडी हो जाते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बकराईद में बहुत ही मज़ेदार मुलायम और मुंह में जाकर घुल जाने वाले कबाब है, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसी ही झटपट सी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Oh, oh, oh.